नमस्कार बच्चों, मैं संजय श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक, रसायन शास्त्र, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नसरुल्लागंज, जिला सीहोर से। अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे पास फिनॉल को बनाने की अनेक विधियां हैं, जो हमने पूर्व के वीडियोज में आपसे बात की है, चर्चा की है, विस्तार से चर्चा समझा है। आज हम पढ़ेंगे कि फिनोल को क्यूमिन से कैसे बनाया जा सकता है। क्यूमिन से फिनोल का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर किया जाता है, जिसके लिए हमें हाइड्रोकार्बन क्यूमिन का उपयोग करना पड़ता है। तो फिनोल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमिन से कैसे किया जाता है, ये जानते हैं। क्यूमिन आइसोप्रोपिल बेंजीन को वायु की उपस्थिति में क्यूमिन पेरोक्साइड में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है, अर्थात क्यूमिन अर्थात आइसोप्रोपिल बेंजीन, ऐसा कार्बनिक यौगिक जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है तथा इसमें एल्किल मूलक आइसोप्रोपिल के रूप में प्रथम कार्बन से संलग्न है। जब क्यूमिन को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है तो क्यूमिन पेरोक्साइड में बदल जाता है। इस यौगिक की अम्ल के साथ क्रिया करने पर फिनोल तथा एसीटोन प्राप्त होते हैं। देखें इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी। तो आप देखेंगे कि क्यूमीन से फिनोल का उत्पादन करते समय सर्वप्रथम क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जा रहा है। क्यूमीन अर्थात आइसोप्रोपिल बेंजीन। जब बेंजीन या 6 कार्बन परमाणु वाले चक्रीय वलय के साथ प्रथम स्थान पर आइसोप्रोपिल एल्किल समूह या मूलक जुड़ा होता है तो यह संरचना क्यूमीन कहलाती है, जिसको वायु के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड बनाता है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन का एक अणु 2 परमाणुओं के रूप में सी बंद ओ बंद ओ बंद एच, अर्थात ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे अकार्बनिक यौगिक भी हो सकते हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु आपस में एकल बंद द्वारा जुड़े होकर एक साथ 2 परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, परोक्साइड कहलाते हैं। जब क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड का अम्लीयता की उपस्थिति में जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया की जाती है, अभिकृत किया जाता है तो मुख्य रूप से फिनोल बनता है तथा साथ में सह उत्पाद एसीटोन का निर्माण भी होता है। यह फिनोल मुख्य रूप से प्राप्त होता है, अतः इसे सरलता से पृथक किया जा सकता है। तो क्यूमीन से फिनोल के उत्पादन के लिए यह अभिक्रिया आपकी पाठ्यपुस्तक में भी दी हुई है, जहां से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यूमीन मिथाइल बेंजीन आइसोप्रोपिल बेंजीन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं और क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड बनता है तथा अम्लीय जल के साथ अभिकृत करने पर फिनोल प्राप्त होता है। कार्बनिक रसायन में आपको अभ्यास करने की निरंतर आवश्यकता होती है। आइए हम अगले बिंदु पर चलते हैं, जो है हमारा अल्कोहल एवं फिनोल में अंतर। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, अल्कोहल की संरचना में R O H जिसमें ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा एक आबंध युग्म एल्किल समूह से तथा दूसरा आबंध युग्म हाइड्रोजन से संलग्न रहता है। ठीक इसी प्रकार बेंजीन नाभिक से अर्थात एरोमेटिक वलय से जब कोई OH समूह कार्बन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है तो उसे हम फिनोल कहते हैं। अल्कोहल और फिनोल में अंतर के अनेक बिंदु हैं, हम एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं। हमने पूर्व में इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश की थी। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के एक हाइड्रोजन को एक OH समूह से प्रतिस्थापित करने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोक्सिल समूह से प्रतिस्थापित करने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं, जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न फिनोल कहलाते हैं, अर्थात बेंजीन नाभिक C6H6 के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक बंद OH समूह द्वारा हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक फिनोल कहलाते हैं। वास्तव में इन दोनों का क्रियात्मक समूह बंद OH ही होता है, लेकिन रासायनिक दृष्टि से ये दोनों ही यौगिक एक दूसरे से लगभग पूर्णता की ओर भिन्नता दर्शाते हैं। आइए आगे देखते हैं कैसे। आइए जानें एल्कोहल एवं फिनोल में अंतर का पहला बिंदु अम्लीय गुण। अम्लीय गुण के आधार पर एल्कोहल फिनोल को भिन्नित किया जा सकता है। चूंकि एल्कोहल एवं फिनोल दोनों ही अम्लीय गुण दर्शाते हैं, किंतु एल्कोहल फिनोल की तुलना में कम अम्लीय होते हैं। इसका कारण क्या है जानिए। फिनोल के अधिक अम्लीय होने का कारण फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व है। फिनोल अपने आप में एक कार्बनिक यौगिक है जो सरलता से H+ आयन को वियोजित कर देता है, पृथक कर देता है और शेष बचा हुआ भाग फिनोक्साइड आयन कहलाता है। यह फिनोक्साइड आयन स्वयं में स्थिरता होने के कारण, स्थायी होने के कारण प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो यहां पर देखें कि एल्कोहल जो वियोजित हो रहा है एल्कोक्साइड आयन में और H+ आयन देता है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, तथा एल्कोहल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन एवं एल्कोक्साइड आयन बनाते हैं, जैसा कि आप यहां पर समीकरण में देख पा रहे हैं। एल्कोहल ROH जब उत्क्रमणीयता को दर्शाता है या जल में विलेय किया जाता है तो यह वियोजित होकर एल्कोक्साइड आयन देता है और H+ आयन को मुक्त करता है। इस स्थिति में यह प्रबल क्षार की तरह व्यवहार करता है, अर्थात एल्कोक्साइड आयन प्रबल क्षार बन जाता है। और इसी प्रकार जब कभी यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो यह माइल्ड एसिड अर्थात दुर्बल अम्ल के रूप में पुनः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन और H+ आयन में वियोजित होना एल्कोहल के अम्लीय गुण को प्रकट करता है। आइए हम आगे की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम देखें कि एल्कोहल के विभिन्न प्रकारों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में अम्लीयता की व्याख्या कैसे की जा सकती है। तो देखते हैं कि प्रथम जो समूह यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये मिथाइल एल्कोहल है, जिसमें कार्बन प्रत्यक्ष रूप से बंद OH के द्वारा जुड़ा हुआ है, बल्कि अन्य तीन संयोजकताओं को हाइड्रोजन से संलग्न होता हुआ पाया जा रहा है। यहां पर कोई भी कार्बन मुख्यतः मिथाइल कार्बन परमाणु से अन्य जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यहां पर शून्य कार्बन लिखे हुए हैं। यहां मिथाइल एल्कोहल है, जबकि CH3CH2OH अर्थात इथाइल एल्कोहल ऐसा कार्बन जो प्रत्यक्ष रूप से हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ है, साथ ही मिथाइल समूह का संलग्नक दिखाई दे रहा है। एक कार्बन यहां पर प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है जिसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। द्वितीयक एल्कोहल की श्रेणी में दो कार्बन परमाणु हमारे मूल कार्बन से जुड़े होते हैं और साथ ही एक हाइड्रोक्सिल समूह अर्थात एल्कोहल का क्रियात्मक समूह संलग्न रहता है। इस प्रकार चौथी अवस्था में कार्बन से तीन कार्बन परमाणु संलग्न रहते हैं और कार्बन से OH समूह संलग्न है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की इस क्रमिक विभिन्नता के कारण अम्लीयता या अम्लीय गुण में भिन्नता देखने को मिलती है, जैसा कि तीर का निशान दर्शा रहा है। अर्थात सर्वप्रथम तृतीयक एल्कोहल न्यूनतम अम्लीय गुण को दर्शाएगा, क्योंकि यहां पर
मध्यवर्ती कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। द्वितीयक एल्कोहल में मुख्य कार्बन के साथ दो कार्बन परमाणु संलग्न है जो अपनी ओर बंध के युग्म को आकर्षित कर रहे हैं। इसी प्रकार प्राथमिक में, जबकि मिथाइल एल्कोहल में अर्थात शून्य कार्बन से जुड़े हुए समूह में कार्बन सरलता से H+ आयन को त्याग देता है, अतः प्रबल अम्ल बनाता है। यह कह सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अम्लीयता की विभिन्नता का क्रम सर्वप्रथम सर्वाधिक मिथाइल एल्कोहल है, फिर उसके बाद द्वितीय एथाइल एल्कोहल है, और यह अम्लीयता द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में कम होती जाती है। शायद आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, इस अवधारणा को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं एल्कोहल फिनोल के अंतर में अगले बिंदु पर। जबकि फिनोल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन एवं फिनोक्साइड आयन बनाते हैं, आप अपने मस्तिष्क में स्पष्टता रख लीजिए कि जब एल्कोहल जल में वियोजित होता है तो एल्कोक्साइड आयन बनाता है। एल्कोहल जल में वियोजित होता है तो एल्कोक्साइड आयन बनाता है, जबकि फिनोल जल में घुलकर H+ आयन देता है और फिनोक्साइड आयन बनाता है, जो अनुनाद द्वारा स्थायित्व को ग्रहण करते हैं। जैसा कि कक्षा 11 में हम लोग जान चुके हैं, अनुनाद की स्थिति में कोई अणु स्वयं को स्थायित्व कैसे प्राप्त कर लेता है। अतः सरलता से वियोजित होकर प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। यहां देखें, यह फिनोल की संरचना है जिसमें ऑक्सीजन परमाणुओं पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और यह ऑक्सीजन परमाणु प्रथम कार्बन से प्रत्यक्ष रूप से संलग्न रहता है तथा हाइड्रोजन द्वारा संलग्न है। यह OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन आयन के रूप में जलीय विलयन में वियोजित होता है और अम्लीयता को दर्शाता है। शेष बचा हुआ भाग जिसमें ऑक्सीजन परमाणु पर एक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, फिनोक्साइड आयन कहलाता है। यह फिनोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण विभिन्न स्थितियों में रूपांतरित होकर स्वयं को अधिक या तुलनात्मक रूप से प्रबलता से स्थायी बना लेता है। इस गुण के कारण ही अल्कोहल और फिनोल की तुलना की जाए तो फिनोल अधिक अम्लीयता को दर्शाते हैं। क्योंकि फिनोक्साइड आयन सरलता से विघटित और वियोजित नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन के घनत्व को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक, तीसरी स्थिति तक, चौथी स्थिति तक ले जाने में सक्षम होते हैं। ये संरचनाएं एक दूसरे के अनुनाद कहलाती हैं, और अनुनाद का अभिप्राय इस बात से भी स्पष्ट होता है कि जब कभी कोई आक्रमण हो तो एक रूपांतरण दूसरे में, दूसरा रूपांतरण तीसरे में, तीसरा रूपांतरण चौथे में हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन का वितरण इलेक्ट्रॉन के घनत्व के आधार पर भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। अगले बिंदु पर चर्चा करें तो हम ये जान पाएंगे कि अल्कोहल और फिनोल में जब हम अम्ल की के रूप में धातुओं से क्रिया करवाते हैं तो यह चार धातुओं के साथ मिलकर, अर्थात अल्कोहल की चार धातुओं के साथ मिलकर एल्किल मेटल ऑक्साइड, या हम कह सकते हैं धातु एल्कोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जो अल्कोहल की अम्लीयता को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब कभी फिनोल की क्रियाशील धातु जैसे सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर सोडियम का लवण सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। फिनोल में जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि फिनोल के अम्लीय गुण के प्रकट करने के लिए या किसी क्षार के साथ जुड़कर अम्ल क्षार अवधारणा उदासीनीकरण की क्रिया संपन्न करवाते हैं और सोडियम फिनोक्साइड बनता है। यह सोडियम फिनोक्साइड लवण के रूप में प्राप्त होता है और जल का अणु पृथक हो जाता है। अतः
इन दोनों अभिक्रियाओं के माध्यम से फिनोल के अम्लीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। प्रथम अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, जबकि द्वितीय अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल के अणु का निर्माण हो रहा है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से ही क्रियात्मक समूहों की व्याख्या करने में आपको सहायता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं कि एल्कोहल या फिनोल का आयनन किस प्रकार होता है, थोड़ा इस पर भी हम विचार करें कि जब कभी हम देखते हैं कि एल्कोहल का अणु जब जल में वियोजित होता है तो बंध का युग्म असमान विदलन के कारण ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तुलना में उच्च विद्युत ऋणी तत्व है और उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण बंध के युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। फलस्वरूप इसमें एक इलेक्ट्रॉन का युग्म अतिरिक्त हो जाता है और ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होकर यह एल्कोक्साइड आयन बनाता है और H+ आयन को अर्थात अम्लीयता की गुण को प्रकट करता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम देखें फिनोल की व्याख्या के करने के लिए, तो हम पाते हैं कि फिनोल को जब जल में विलेय किया जाता है तो उच्च विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु बंध के युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया है। इस ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करके ऋणावेश प्राप्त करना या ऋणावेश बना लेना फिनोक्साइड आयन को व्यक्त करता है तथा H+ आयन को मुक्त करता है। इस प्रकार तुलनात्मक रूप से हमें एल्कोहल और फिनोल के वियोजन या आयनन को समझने में मदद मिलती है। अब हम चलें कि वे ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनमें हम फिनोल से एल्कोहल को भिन्नित कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं कुछ अभिक्रियाओं पर नाइट्रीकरण। सबसे पहले हम नाइट्रीकरण की चर्चा करें तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनोल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनाता है, जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। यह कक्षा 12वीं का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए इस पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम यहां पर देखें कि जब नाइट्रिक अम्ल की कम ताप पर तनु अम्ल के साथ या तनु अम्ल की क्रिया फिनोल के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पेरानाइट्रोफिनोल का अर्थात ऑर्थो एवं पेरा समावयवी का एक मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य रूप से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। यह मुख्य उत्पाद बनता है, किंतु यही अभिक्रिया यदि नाइट्री कारक मिश्रण अर्थात नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ करवाई जाती है तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप या 298 केल्विन ताप पर फिनोल ट्राइनाइट्रोफिनोल बनाता है, जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है। 2,4,6 तीनों स्थितियों पर यह जुड़कर ट्राइनाइट्रोफिनोल बनाता है, जिसे हम साधारण भाषा में व्यावहारिक भाषा में पिक्रिक अम्ल कहते हैं। अगली अभिक्रिया में देखें जहां पर हमें फिनोल एल्कोहल से भिन्नता देखने को मिलती है, तो हम यह जानेंगे, इसे कहते हैं हेलोजिनीकरण। जब क्लोरोफॉर्म जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में निम्न ताप पर फिनोल की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यहां पर भी दो प्रतिस्थापी प्राप्त होते हैं, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल या 2-ब्रोमोफिनोल और पेरा या 4-ब्रोमोफिनोल। इस क्रिया में अधिक मात्रा में पेरा ब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। यदि यह क्रिया जलीय माध्यम में करवाई जाए अर्थात फिनोल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। यह फिनोल ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है, जिसका अवक्षेप सफेद होता है।
जब कभी हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं में, तो हम पाते हैं कि फिनोल के परीक्षण में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया के करने के लिए हम ब्रोमीन जल में थोड़ी सी फिनोल की मात्रा लेते हैं, तो हम यह पाते हैं कि वहां पर सफेद अवक्षेप बनाता है जो फिनोल के उपस्थिति की पुष्टि करता है। अगली अभिक्रिया देखें तो हम यहां पाएंगे कि फिनोल, जिसमें हम एल्कोहल से इसे भिन्नित कर सकते हैं, वह है जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करने पर फिनोल बेंजीन में रूपांतरित हो जाता है, अर्थात फिनोल के साथ जिंक के पाउडर या चूर्ण को धीरे धीरे गर्म करने पर यह फिनोल आश्रित हो जाता है, जिंक ऑक्साइड पृथक होता है और बेंजीन द्रव के रूप में हमारी परख नली में शेष रह जाता है। इस अभिक्रिया के माध्यम से भी हम एल्कोहल को फिनोल से या फिनोल को एल्कोहल से भिन्नित कर सकते हैं। अगली अभिक्रिया के रूप में हम जानेंगे कि कोल्बे अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो एल्कोहल नहीं देते बल्कि फिनोल दर्शाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आइए देखें। फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत करने पर बना फिनोक्साइड आयन फिनोल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, अर्थात फिनोक्साइड आयन अधिक प्रबलता से इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। अतः यह CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। आइए समीकरण के रूप में जानने की कोशिश करेंगे, जिससे यह देखा जाएगा कि फल अंत में यह मुख्य उत्पाद ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सेलिसिलिक अम्ल बनाता है जो रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिक है। आइए देखें, फिनोल यह रासायनिक अभिक्रिया के लिए तैयार है जो क्षार अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम फिनोक्साइड का लवण प्राप्त होता है। यहां पर यह इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक प्रतिस्थापन के प्रति अधिक क्रियाशील होगा और यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अम्लीय माध्यम में अभिकृत होकर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बना रहा है, जिसे हम सेलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें बेंजीन नाभिक पर एक कार्बन पर OH समूह और उसके निकटवर्ती कार्बन पर एक अम्लीय समूह उपस्थित होता है, इसे हम सेलिसिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। आइए अगली अभिक्रिया को जानें, जिसमें फिनोल एल्कोहल से भिन्नता प्रकट करता है, तो वह अभिक्रिया है राइमर टीमेन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में फिनोल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराने से बेंजीन में CHO समूह ऑर्थो स्थिति पर प्रवेश कर जाता है और सेलिसिलाइड बनता है। इस क्रिया को राइमर टाइमेन या रीमर टीमेन अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिल रहा है। यह फिनोल कणु क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके एक मध्यवर्ती यौगिक बनाता है जो अस्थायी है। यह पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक और अणु से जुड़कर फिनोक्साइड आयन के साथ सोडियम आयन और एल्डिहाइड समूह का योग कर लेता है, जो अम्लीयता के उपस्थिति में या अम्लीय विलयन में अभिकृत करने पर सेलिसिलाइड बनाता है। अगली अभिक्रिया के रूप में हम जाने तो ऑक्सीकरण। फिनोल के क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से संयुग्मित डाइकीटोन बनते हैं, जिसे बेंजोक्विनोन कहते हैं। लेकिन वायु की उपस्थिति में फिनोल स्वतः ही धीरे धीरे गहरे रंग के क्विनोन के मिश्रण में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसका रंग गुलाबी होता है। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि फिनोल वायु में छोड़ने पर गुलाबी क्यों हो जाता है, तो इसका उत्तर है बेंजो क्विनोन के बनने के कारण।
पुनरावृत्ति हम यहाँ पर कोशिश करेंगे जानने की कि हमने आज के इस भाग में किन विषयों पर चर्चा की, किन अवधारणाओं को समझने की कोशिश की, और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि फिनोल की विशिष्ट अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण सहित जब आप लिखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आप कार्बनिक रसायन में प्रगाढ़ता प्रकट करते हैं और साथ ही आप रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से उनके सूत्र और उनके संरचनाओं को बनाने में सक्षम और समर्थ हो पाते हैं। यह प्रश्न भी कक्षा 12वीं में 4 अंकों का पूछा जाता है कि इन 4 बिंदुओं के आधार पर एल्कोहल एवं फिनोल विभेदित कीजिए। तो आप यह पाएंगे कि हमने अनेक बिंदुओं पर चर्चा की जहां पर हम एल्कोहल और फिनोल में अंतर प्रकट कर सकते हैं। फिनोल के अम्लीय गुण की व्याख्या कीजिए। जैसा कि हमने आरंभ इसी बात से किया था कि अम्लीय गुण की व्याख्या करने के लिए हमें फिनोल के वियोजन को दर्शाना पड़ेगा और वियोजन के साथ साथ अम्लीयता की प्रकट करने के लिए हम फिनोक्साइड के अनुनादी संरचनाओं को प्रकट करते हैं। इस आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।